सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डार्क लाइट थीम एडिटिंग। सो गाइज, ये जो पिक्चर है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पे भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस पोज में एक पिक्चर क्लिक करा लेनी है और देन फ्रेंड्स हम इस बैकग्राउंड को शेयर करके ओपन कर लेंगे हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बैकग्राउंड है जो ओपन हो चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। देन हम करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक और देन फ्रेंड्स हम यहाँ से हमारे जो इरेज मॉडल को हम लेके आ जाएंगे। फ्रेंड्स, सो गाइस, यहाँ से मैं अपना फोल्डर सेलेक्ट करके मैं इसको लेके आ जाता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसका मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज कर लिया। अगर आपको नहीं करना आता तो आप सिंपली आई कार्ड के ऊपर प्रेस करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कपड़े इससे मैच नहीं हो रहे हैं। सो गाइस, मैच कराने के लिए हम यहाँ से जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर। सो ये रहा गाइस इफेक्ट्स और देन गाइस यहाँ से हम चूज़ करेंगे कलर्स और यहाँ से गाइस हम चूज़ करेंगे ब्राइटनेस इफेक्ट। देन फ्रेंड्स, हम इसको माइनस के और ले जाएंगे अराउंड 75 या 70 कर लेते हैं गाइस। देन हम यहाँ से रिमूव इरेजर के ऊपर करेंगे, यहाँ से ऊपर वाले क्लिक और देन फ्रेंड्स हम इसको अपने फेस और हैंड से जो रिमूव करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो रिमूव कर दिया है, अब यहाँ से मैं कर देता हूँ डन, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ से भी मैं फाइनली कर देता हूँ डन और देन गाइस हम इसकी पोजिशन को है आपको भी एकदम एडजस्ट कर लेना है गाइस। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये जो डब्बे है इसको छोड़ के आपको थोड़ा सा इसको लेफ्ट करके आपको इसके पास में जो एडजस्ट कर लेना है ताकि ये थोड़ा रियल लगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसके पास में है जो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। देन फ्रेंड्स, मैं इसको कर लेता हूँ डन ताकि हमारी पिक्चर इधर उधर हिले नहीं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर तो हो गई है लेकिन गाइस पीछे से लाइट नहीं आ रही। सो गाइस, अब लाइट लाने के लिए अब हम क्या करेंगे गाइस, हम सिंपली यहाँ से करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक और यहाँ से गाइस जो हम लाइट वाली पीएनजी लेके आ जाएंगे गाइस, हम इसको 5 बार टैप कर लेंगे देन यहाँ से कर लेंगे ऐड। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका सारा स्टॉक है वो आपको नीचे मिल जाएगा बैकग्राउंड और पीएनजीज का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस एक पीएनजी को चूज़ करेंगे देन इसको करेंगे छोटा। देन गाइस हम इसको अपने बाल साइड बाल के ऊपर इसको एडजस्ट कर लेंगे गाइस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन हम यहाँ से गाइस इसको ब्लेंड को कर लेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे गाइस। ऐड करने के बाद गाइस अब इसकी थोड़ा सा दूर लेके हम इसकी ओबेसिटी को गाइस थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ओबेसिटी है गाइस, इसके लिए हम इसकी ओबेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे अराउंड 80 के पास या 85। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। देन हम गाइस ऐसे ही हम इन 500 पीएनजीज को है वो हमारे साइड साइड में हम इसको लगाते जाएंगे। देन गाइस हम इसी पीएनजी को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देन हम इसको ईयर के पास इसको भी गाइस इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और देन इसको भी गाइस हम इसको ब्लेंड की और कर लेंगे, हम इसको भी कर लेंगे ऐड। और देन गाइस, आप चाहें तो इसकी ओबेसिटी को कम भी है जो कर सकते हैं गाइस, आपको ओबेसिटी को है वो थोड़ा थोड़ा सब में कम कर लेना है। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं और मैं सभी पीएनजीज को है वो फटोफट है वो मैं आपको लगा के है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारी डन हो चुकी है। देन हम यहाँ से ऊपर से कर लेंगे डन। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारे सारा पिक्सआर्ट में प्रोसीजर है जो हो गया है। अब हम चलेंगे कलर करेक्शन के लिए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, ड्रॉ के ऊपर कर लेंगे क्लिक और यहाँ से गाइस हम 3 डॉट से इसको कर लेंगे सेव। देन हम चलेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पीछे लाइटरूम के अंदर है जो ओपन हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से चूज़ करेंगे गाइस लाइट इफेक्ट, यहाँ से एक्सपोजर को गाइस हम थोड़ा थोड़ा ही जो इंक्रीज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ इसको कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट को गाइस हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट को गाइस इसमें इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि ज़्यादा डल है पिक्चर। देन शेडोज़ को हम थोड़ा सा माइनस किए और वाइट्स को बढ़ाएंगे और ब्लैक को भी बढ़ा देंगे गाइस। देन हम चलेंगे गाइस और टेम्परेचर को गाइस थोड़ा सा प्लस के और ही रखेंगे 3 या 4। देन टिंट को भी हम माइनस में रख देते हैं, वाइब्रेंस को बढ़ाएंगे गाइस, सैचुरेशन कर लेंगे कम। देन हम चलेंगे गाइस मिक्स टूल के ऊपर, आपको दिख रहा है ऊपर। सो गाइस मिक्स टूल के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस और देन यहाँ से गाइस थोड़ी सी सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे। देन गाइस हम इसकी एक्सपोजर को सॉरी गाइस ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि आप देख सकते हैं हमारा फेस जो है थोड़ा ग्लो इफेक्ट रह रहा है। देन गाइस अगर हम इसको कोई भी कलर को छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे पिक्चर में है नहीं गाइस, इसे सिंपली कर लेंगे डन। देन हम चलेंगे नेक्स्ट, इसकी गाइस क्लैरिटी को बढ़ाएंगे और विग्नेट को कर देंगे कम ताकि हमारा मॉडल फोकस के अंदर है। देन हम यहाँ से गाइस कलर नॉइस रिडक्शन को है वो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी पिक्चर फाइनली बन चुकी है। अब मैं आपको पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ गाइस। देखिए पिक्सआर्ट में ऐसी थी और लाइटरूम के अंदर हो गई है गाइस कुछ ऐसी। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।